असलम क्लास नाइन्थ डी वन एन एन वन बॉयज़ एंड गर्ल्स आई एम योर बायोलॉजी लेक्चर टुडे ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी आ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एजाइम एंड द सल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सिक्स एनजाइम्स में जो हम पढ़ चुके हैं अब तक आज हम उसे रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ जो सल्यूशन है एक्सरसाइज का वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है जो एम और शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है उसके बारे में देखते हैं इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंज़ाइम एक्शन तो सबसे पहले रिकॉल करेंगे हमने जो पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में पेज नंबर वन ज़ीरो सेवन टेक आउट योर पेज नंबर वन ज़ीरो सेवन पेज नंबर वन जीरो सेवन में हमने सबसे पहले इंजाइम की डेफिनीशन पढ़ी थी एंजाइम की डेफिनीशन यानी इंजाइम के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर इन्जाइम्स देन हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या होता है ठीक है फिर दो तरह के प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म में हो रहे हैं एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म और इसके साथ साथ जो बॉक्स है एक पेज नंबर वन जीरो सेवन पर वो बॉक्स इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू क्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है द टर्म मेटाबॉलिज्म इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हु स्टेटेड दैट बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडर चेंज ठीक है तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था एंजाइम के इंट्रोडक्शन का तो तब भी हमने इस बॉक्स को डिस्कस किया था ठीक है तो ये बॉक्स एम और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से इम्पॉर्टेंट है देन हमने पढ़ी थी बायो कैटलिस्ट की डेफिनीशन और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ठीक है उसकी डेफिनीशन पढ़ी थी और उसके बाद जो पेज नंबर वन जीरो सेवन पर लास्ट पैराग्राफ है उसमें हमने देखा था कि एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और क्या उनके डिफरेंट वेज हैं इसके बाद आ जाएं पेज नंबर वन जीरो एट पर पेज नंबर वन ज़ीरो एट पर जो ग्राफ है फिगर सिक्स पॉइंट वन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी तो इसमें कंपेयर किया गया है एक्टिवेशन एनर्जी को विद एंजाइम एंड विदाउट एंजाइम। तो इस ग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ नोटबुक्स पर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जिस जगह पर काम करते हैं जिस साइट पर वर्क करते हैं उस बेस पर एंजाइम की क्या कैटेगरीज़ हैं ठीक है तो एंजाइम की दो तरह की कैटेगरीज़ हैं इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ठीक है तो इनकी डेफिनेशन बुक पर नहीं है तो वो मैंने आपको सेपरेटली लिखवाई है तो सबसे पहले आपने जब भी इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाएगा यानी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि डिफाइन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर या डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम तो इसमें पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है उसके बाद ये ब्रैकेट में जो इसकी एग्जाम्पल है वो लिखनी है ठीक है चैप्टर नंबर सिक्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एम सी क्यूज़ और लॉन्ग तीनों के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो इसलिए मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ आपको ये कंप्लीट चैप्टर जो हमने पढ़ा है ताकि आप दोबारा से इसको अच्छे तरीके से याद कर लें और कोई ऐसे पॉइंट जो पहले आपके माइंड से स्किप हो गए थे वो आप दोबारा रिकॉल कर लें नेक्स्ट एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन है ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब कैटलिस्ट होते हैं और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसमें से स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे कैटलिस्ट होते हैं बल्कि और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि तमाम कैटलिस्ट जो हैं वो एंजाइम होते हैं ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा था करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम में जो उसकी अदर करैक्टेरिस्टिक्स हैं ठीक है लाइक like, के जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिल वो प्रोटीन है अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं इसके अलावा जितने भी इंज़ाइम हैं मोस्ट रिएक्शन जो इंजाइम जिसमें रोल प्ले करते हैं वो मिलियन टाइम्स फास्टर होता है वो रिएक्शन ठीक है और जिस रिएक्शन में इंजाइम्स नहीं होते उस वो रिएक्शन जो है वो स्लो होता है वो देर से वो जो रिएक्शन है वो परफॉर्म होता है टेक आउट योर पेज वन जीरो नाइन पेज नंबर वन जीरो नाइन में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम की वो हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट और जब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है और अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता चल गया कि किस तरह इंजाम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ठीक है एक्टिव साइट की डेफिनेशन हमने पढ़ी इनहिबिटर एक्टिवेटर्स कोफैक्टर्स को इन्जाम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप और फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने ये पढ़ा कि को इन्जाइम्स जो हैं यानी जो इम्पोर्टेंट वाइटाम्स हैं वो एक्ट करते हैं एज़ को इन्जाइम्स ठीक है तो ये लाइन जो है ये एम सी क्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है और इन वाइटामिन की एग्जाम्पल्स रिब्बोफ्लैवन थायमिन एंड फॉलिक एसिड ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉटेंट है ठीक है के इम्पोर्टेंट वाइटमन्स कौन से ऐसे हैं जो कि एक्ट करते हैं एज को इनज़ाइम तो उसमें ये आपके पास ये वाइटमिन हैं ठीक है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एम सी क्यूज दोनों के हवाले से लाइन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद हमने मेटाबॉलिक पाथवे का पढ़ा दैन यूज ऑफ इन्जाइम्स यूजेज ऑफ इंजाइम्स में हमने पढ़े कि इन्जाइम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इन फूड इंडस्ट्री ब्रेविंग इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री एंड एज़ बायोलॉजिकल डिटर्जेंट बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में जो ये दो एग्जांपल्स दी गई हैं कि प्रोटीज एंजाइम जो है वो प्रोटीन की रिमूवल करता है और अमाइलेज एंजाम जो है ये स्टार्च के जो रेजिड्यूज हैं उनकी उनको रिमूव करता है फ्रॉम डिश वॉशिंग ठीक है तो ये जो एम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जो इस बार बोर्ड के पेपर्स हुए हैं नाइन्थ क्लास में उसमें ये एम जो है वो रिपीट हुआ है उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन ठीक है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम के, के एक्शन को उसके रेट को अफेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं टेम्परेचर सब स्ट्रेट कंसनट्रेशन एंड पी एच जैसे आपको इनके लेक्चर्स में भी बताया गया था कि जब भी ये तीनों फैक्टर्स यानी आपको कोई भी आता है फैक्टर लिखने के लिए कि कोई भी फैक्टर लिखें इनमें से जो कि अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर अगर आपको आए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कैसा बिहेवियर है उसका यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ इन्ज़ैम एक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है ठीक है सबसे पहले आप रिलेशन लिखेंगे इसमें टेम्प्रेचर का और रेट ऑफ़ इन्जाइम एक्शन का उसके बाद आप ऑप्टिमम टेम्परीचर की डेफिनेशन लिखेंगे और आफ्टर दैट जो अफेक्ट होता है टेम्परेचर का इन्जाइम की एक्टिविटी पर वो लिखेंगे ठीक है बिल्कुल इसी तरह आप सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अगर आप लिखें तो इसमें भी सबसे पहले आप इन्जाइम और जो सबस्ट्रेट है इंजाइम uh, और सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन का जो रिलेशनशिप है वो लिखेंगे और आफ्टर दैट आप सेचुरेशन के बारे में लिखेंगे ठीक है यानी जो इफेक्ट है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन का एंजाइम एक्टिविटी पर देन पीएच पीएच में भी आप ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन लिखेंगे ठीक है और ये बताएंगे कि स्लाइड चेंज भी जब पीएच में आता है तो जो इन्ज़ैम एक्टिविटी है वो रिटॉर्ड हो जाती है स्टॉप हो जाती है और आफ्टर दैट कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है लाइक like, ऐसे इन्ज़म्स जो कि एसिडिक मीडियम में वर्क करे हैं उन, उन वो सेट हैं अकॉर्डिंग टू दैट पीएच और इसी तरह अगर कोई इन्ज़ैम्स अल्कलाइन मीडियम में काम रहे हैं तो वो हाई पीएच पर सेट है ठीक है तो अगर उनकी पीएच को चेंज किया जाए तो उनकी एक्टिविटी जो है वो रिटॉर्ड हो जाती है ठीक है स्टॉप हो जाती है और रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है फिर हमने पढ़ा इस चैप्टर में मैकेानिज़म ऑफ एंजाइम एक्शन तो मेकेानिज़म ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे पहले के कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना रहे हैं फिर एंजाइम उन सबस्ट्रेट पर वर्क करते हैं और उन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्रोडक्ट टेक आउट योर पेज वन टवेल्व पेज नंबर वन टवेल्व पर आपने देखा कि दो मॉडल्स हैं लॉक एंड की मॉडल एंड इंडियूस फिट मॉडल तो इन दोनों मॉडल्स को जिन साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया आप दोनों की जब हेडिंग करेंगे सेपरेटली तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे आफ्टर देन जो उनकी स्टेटमेंट है कि वो मॉडल क्या बताता है उसके बारे में लिखेंगे ठीक है विद डायग्राम डायग्राम लाजमी तौर पर बनाएंगे बिकॉज़ ये क्वेश्चन जो है ये डायग्राम के अलावा मतलब कि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये कम्पलीटली आप सॉल्व नहीं कर सकते डायग्राम बनाए बगैर उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन ठीक है लाइक like, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं जो एक्टिव साइट है वो भी स्पेसिफिसिटी बताती हैं एंजाइम्स के एक्शन की ठीक है नाउ टेक आउट योर पेज वन फिफ्टीन पेज नंबर वन फिफ्टीन पर है मल्टीपल चॉइस अब हम मल्टीपल चॉइस को सोल्व uh, करेंगे ठीक है जो करेक्ट उसका आंसर है सबसे पहले वो आपको बताऊंगी व्हाट इज ट्रू अबाउट इंजाइम्स इंजाइम्स के बारे में क्या ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इंजाइम्स से रिलेटेड है दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन they are not very specific in their choice of substrate they are needed in large quantities तो इसमें जो B option है वो correct है कि enzymes जो हैं वो किसी भी reaction की जो activation energy है उसे low करते हैं ठीक है तो इसमें B option correct है फर्स्ट मल्टीपल चॉइस का बी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मोलिक्यूल्स टू इंजाइम बिलोंग्स एंजाइम कौन सी कैटेगरी इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है उससे बिलोंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है के मॉलिक्यूल्स ऑफ इन्जाइम्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं प्रोटीन से नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में फर्स्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स सेकंड ऑप्शन लूजली अटैच विद एंजाइम थर्ड ऑप्शन प्रोटीन्स इन नेचर फोर्थ टाइटली बाउंड टू इंजाइम, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है टाइटली बाउंड टू इंजाइम ये प्र, प्रोस्थैटिक ग्रुप जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि प्रोस्थैटिक ग्रुप में जो कोफैक्टर्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं इंजाइम्स के साथ तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है Fifth you When we add more substrate to an already occurring enzymatic reaction and there is no increase in the rate of reaction, what would you predict? Yani jab up. सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं सबस्ट्रेट का लेवल जो है वो एक ऐसे रिएक्शन में बढ़ा रहे हैं जो कि पहले से ही चल रहा है रिएक्शन लेकिन सबस्ट्रेट बढ़ाने से उस रिएक्शन पर कोई भी जो उसका रिएक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे इससे ए ऑप्शन ऑल एक्टिव ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बी ऑप्शन दोलिक्यूल है इनबिटर डी ऑप्शन मोर सबस्ट्रेट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द पी एच ऑफ द मीडियम तो इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट है ऑल एक्टिव बीन ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ठीक है तो ये जो स्टेट है ये स्टेट होगी सेचुरेशन की कि जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो तमाम ऑक्यूपाई हो चुकी हैं बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो आप जब भी इस इस स्टेट के बाद जैसे भी आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा एक बार दोबारा से सुन लें फर्स्ट मल्टीपल चॉइस का आंसर है बी सेकेंड मल्टीपल चॉइस का आंसर है डी थर्ड मल्टीपल चॉइस का आंसर है बी फोर्थ का आंसर है डी एंड फिफ्थ का आंसर है ए उसके बाद जो ग्राफ है ग्राफ का एक एम सी क्यू है विच ऑफ दीज ग्राफ्स करेक्टली शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन यानी टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सा ग्राफ है यहाँ पर करेक्ट ठीक है ये जो एम है ये स्लाइड पर नहीं है ये आपकी बुक पर ही है तो इसे आप बुक पर ही सॉल्व करेंगे तो इस एम का आंसर है डी सिक्स एम का आंसर है डी डी में जो ग्राफ है वो कंप्लीटली शो कर रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं डिफाइन को फैक्टर एंड को एनजाइम तो पहले हम इसी को ही स्टडी करेंगे कि को फैक्टर और को एनजाइम की जो डेफिनीशन है ठीक है डिफाइन मीन्स डेफिनीशन आपने इनकी डेफिनीशन लिखनी है सबसे पहले को फैक्टर इंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आइन टू वर्क इज कॉल्ड को फैक्टर ठीक है इन्जाइम्स जो कि नॉन प्रोटीन मोलिक्यूल उन्हें चाहिए होता है तो उसे कहते हैं कोफैक्टर, नेक्स्ट इज को एनजाइम अगर वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो लूजली बाउंड है एंजाइम के साथ तो उसे को कहेंगे तो ये दोनों की डेफिनेशन है कोफैक्टर एंड को एनजाइम नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री तो उसका आंसर है कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं ब्रेक स्टार्च इट्स लोअर विस्कोसिटी दैट हेल्प इन मेकिंग पेपर स्टार्च को तोड़ते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी जो है उसका गाढ़ापन जो है वो कम हो जाए और जो पेपर हैं वो आसानी से बन जाए आज के लेक्चर में हमने सिक्स चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ा उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस पढ़ी और इसी तरह जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा ठीक है उसमें ये कंप्लीट चैप्टर जो है ये इंक्लूड होगा ठीक है तो आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए इस कंप्लीट चैप्टर की तैयारी करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स की मंडे को जो हम लेक्चर पढ़ेंगे मंडे को इसी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है और सिक्स चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा उसके बाद यानि लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट है देन हम इसका समर पैक में जो होमवर्क है वो करेंगे ठीक है होप यू अंडरस्टैंड क्लास इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क थैंक यू टेक केयर